और मैं बदनसीब ऐसी हूँ कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं उनके पास ही नहीं थी। मैं उनको खुदा हाफिज़ करके गई कि आप ठीक है, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, कोरोना के बाद अब वेकेशन उनको मिली है तो आप ठीक है ना? कह रही हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और जब मैं वहाँ मालदीव पहुँची हूँ, एक दिन गुजरा है, कोविड में आप एकदम भी नहीं वापस पलट कर आ सकते, आपको टेस्ट कराना पड़ता है। और वो जो जिस सुबह मुझे पता चला है, वो दिन जिस तरह मैंने गुजारा, दुआएं मांग के लमिया में किसी तरह पहुँच जाऊँ, मैं तो वहाँ पहुँच ही सकी, मैं आखिरी वक्त में उनके पास नहीं थी। और सारी ज़िंदगी ये चीज़ मुझे सुई की तरह चुभती रही। मेरी बहनें मुझे समझाती हैं कि देखो ये देखो, तुम जो हो ना, वो आखिरी वक्त भूलना बहुत मुश्किल होता है। उनको जब आखिरी वक्त याद आता है, उनके आंसू से कतार सारों कतार आंसू बहने लगते। मैं बदनसीब वो वक्त याद भी नहीं कर सकती, मैं थी नहीं। पता नहीं ये सज़ा है।